25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण रैली कर रहे थे। जेपी का भाषण सुनने उस समय रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। इसी रैली में लाखों लोगों के सामने जेपी ने फौज और पुलिस को कहा था, अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो उसे ना माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मान लो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। पहले तो उन्हें नींद से जगाया गया और फिर संसद मार्ग थाने में जेपी को सूचना दी गई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जून की सुबह होते होते तमाम बड़े नेता जेल में थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत 36,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में फसल बर्बाद हो गई थी, किसान 5,000 रुपए मुआवजा मांग रहे थे, सरकार 400 रुपए ही दे रही थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। किसानों ने 400 रुपए लेने से इनकार किया तो उन पर गोली चलवा दी गई। 12 जनवरी 1998 को मुलतई तहसील के सामने किसानों पर गोली चलाई गई जिसमें 24 किसान मारे गए थे। वो जगह जहां लोग काला धन वापस लाने के लिए अनशन पर बैठे थे, वहां लोगों के जख्म के निशान नजर भर आ रहे हैं। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अनशन पर बैठे भूखे प्यासे लोगों पर पुलिस ने रात के अंधेरे में धावा बोला। वो लोग जो दिन भर नारे लगाते लगाते थक कर सो चुके थे, उनकी नींद पुलिस की लाठियों से टूटी। कईयों को बिस्तर से उठकर बैठने तक का मौका नहीं मिला। धनाधन बरसती लाठियों में हक के लिए उठती आवाज चीख पुकार में बदल गई। दूर दूर से स्वामी रामदेव के अनशन में शामिल होने पहुंची महिलाओं और बच्चों को यह एहसास ही नहीं था कि रात ढलते ही दिल्ली की पुलिस इतनी बेरहमी दिखाएगी। पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू की तो महिलाओं और बच्चों का फर्क भी भूल गई। काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ने का आदेश दे दिया। जो लोग भूखे रहकर अपनी बात कहना चाहते थे, अनशन कर रहे थे, उन्हें पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रामलीला ग्राउंड को खाली कराने के लिए आधी रात में आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस को कोई खास दिक्कत नहीं थी इस बात से कि रामलीला मैदान में एक एजिटेशन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कार्रवाई हुई देर रात। और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक राजनीतिक फैसला था, राजनीतिक दिशा निर्देश के बाद ही वहां पर कार्रवाई करनी पड़ी है।